कांग्रेस विधायक के फरार बेटे को पकड़ने के लिए पुलिस ने उठा लिया बड़ा कदम। पुलिस के इस कदम के बाद विधायक जो है वो भी पहुंच गए थाने। क्या है मामला आपको बता दूं, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को पुलिस 6 महीने से तलाश रही है। अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अब इंदौर पुलिस ने बड़ा कदम उठा लिया, बड़नगर पहुंचकर विधायक के दूसरे बेटे को थाने ले आई पुलिस। जी हाँ, दूसरे बेटे शिवम को पुलिस थाने में लेकर आई ताकि करण के ठिकाने का वो पता लगा सके। 6 महीने से पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई है। इनामी राशि 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। पुलिस की बात भी आपको सुनवाऊंगा कि पुलिस ने पूछताछ क्यों की, लेकिन उससे पहले ये दिखाऊंगा कि थाने पहुंच गए, जब दूसरे बेटे को पुलिस थाने लाई तो विधायक भी थाने पहुंच गए, थाने से बाहर निकले और जब उनसे सवाल किया गया तो कैसे सवालों से भागे विधायक जी। देखिए कोई पक्ष में रखना मेरे को, कोई पक्ष में रखना मेरे को, अभी तो फरार चल रहे, कोई पक्ष में रखना मेरे को। कब पेश कर रहे हैं, पेश कब कर रहे हैं आप? चलो चलो गाड़ी गाड़ी सर, आरोप लग रहा है, सवाल किया गया है आपको। कमलनाथ दिग्विजय सिंह कनखा जैसे लोगों के नाम आ रहे हैं सर, आपकी पैरवी कर रहे हैं। आपने पीड़िता को धमकाया भी है, कुछ तो कहेंगे सर? सर प्लीज सर, आपने वादा किया था कि आप बताएंगे। प्लीज प्लीज, सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस एमएलए इज जस्ट नॉट आंसरिंग। देखा आपने, विधायक कुछ बोले नहीं, हाथ से माइक अलग कर दिया, कार में बैठे, कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। अब आपको बताते हैं कि पुलिस ने ये पूछताछ की है। पुलिस को पूरी उम्मीद है इस पूछताछ के बाद के करण की लोकेशन पुलिस ट्रेस कर लेगी, उसके मूवमेंट का पता कर लेगी, जो भाई से पूछताछ हुई है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि ये पूछताछ क्यों अहम थी। आपको पहले से ही पता है कि अपने यहाँ एक गंभीर अपराध पंजीबद्ध है जिसमें आरोपी करण मोरवाल मुलजिम है, और इसमें लगभग 6 माह हो चुके हैं, हम लोग भरसक प्रयास कर चुके हैं उसकी गिरफ्तारी का। हर उन स्थानों पर जहां उसके होने की संभावना है हम दबिश दे चुके हैं, चाहे वो उसका घर हो बड़नगर में, या उसका फार्म हाउस हो, या अपना उज्जैन स्थित फार्म हाउस हो, या मैरिज गार्डन हो, हम सब जगह दबिश दे चुके हैं, लेकिन वो नहीं मिला है। शुरू में 5,000 का इनाम था, अब बढ़कर 15,000 हो गया है। और उसके बाद हमें आज ऐसे सूचना मिली थी कि वो हो सकता है, तो हम लोग काफ़ी, हम महिला थाना इंदौर की टीम, क्राइम ब्रांच और लोकल थाना बड़नगर जो है वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो हम लोग सब मिलकर हमने दबिश दी। हमें करण मोरवाल तो नहीं मिला, लेकिन हम पूछताछ के लिए उसके भाई को लेकर आए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम बातचीत करके पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा हमें फील हो रहा है कि उसे पता है कि करण कहाँ है, और इतना लंबा समय हो चुका है, जल्दी से जल्दी हम लोग उसकी गिरफ्तारी कर लें। सुना आपने, महिला थाने के प्रभारी हैं, उन्होंने बताया कि ये पूछताछ क्यों अहम थी। दरअसल अब ये कहा जा रहा है, पुलिस ने जिस तेजी से शिकंजा कसा है फरार बेटे पर, विधायक के फरार बेटे पर, या तो विधायक का जो बेटा है करण वो सरेंडर कर सकता है, या जल्द ही करण की गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि इससे पहले पुलिस ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए थे सार्वजनिक स्थानों में बड़नगर में, और पोस्टर पुलिस पहले भी लगा चुकी है, लेकिन सवाल उठ रहा था कि 6 महीने हो गए लेकिन पुलिस अब तक गिरफ्तार कर नहीं पाई है। अब पुलिस ने जिस तेजी से शिकंजा कसा है, ये कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है विधायक के फरार बेटे को, क्योंकि इस मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार 6 महीने से फरार बेटे को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस। इंदौर से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने, आप देखते रहिए एमपी तक।